हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे हॉकआई की न्यू सेट इमेजेस के अपडेट के बारे में, साथ ही साथ बात करेंगे जोकर के न्यू लुक के बारे में, और बात करेंगे सुपरमैन के न्यू बारे में, और देन बात करेंगे स्नाइडर कट के ट्रेलर के अपडेट के बारे में, और बात करेंगे स्टार वॉर्स के ब्रेकिंग अपडेट के बारे में। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हॉकआई की न्यू सेट इमेजेस के अपडेट के बारे में। तो कैट का एक नया लुक नजर आया है, जिसमें कि वो एक स्टंट करती नजर आ रही है और एरो को चला रही है नीचे की तरफ, और देन ब्लू स्क्रीन से देख के ये लग रहा है कि शायद ये टॉप बिल्डिंग पे खड़ी हुई है, जैसा कि 2000 वाली अवेंजर्स मूवी में हॉकआई एक बिल्डिंग से जंप करता है 2012 वाली अवेंजर्स में। और देन साथ ही साथ हमें हॉकआई की भी इमेज देखने को मिली है, जिसमें कि ब्लैक कलर की वो जैकेट, ब्लैक कलर की पैंट पहने हुए हैं, और देन वो किसी को सामने की तरफ देख रहे हैं। तो हाँ, ये इमेज से यही पता चलता है कि कुछ कमाल का स्टंट होने वाला है। उसी के साथ अब बात करते हैं ब्लैक विडो के न्यू अपडेट के बारे में। तो ब्लैक विडो का चाइनीज पोस्टर रिलीज कर दिया गया है, और साथ ही साथ आपको बता दूं, क्लियर कर दूं कि ब्लैक विडो मई के महीने में ही रिलीज होगी, 7 तारीख को सीईओ ने कंफर्म कर दिया डिज्नी के। अब बात करते हैं जोकर के न्यू लुक के बारे में, जो कि बहुत ही कमाल का लग रहा है। और देन बैटमैन का भी एक लुक लॉन्च करा गया था इसी गली में, जिसमें कि जोकर बैठा हुआ है, तो हाँ पीछे शायद बैटमैन हो सकता है। वेलकरी की फाइनली न्यू इमेज देखने को मिली है, उसकी सीट की जहाँ पर वो बैठती है, और वो फाइनली बैक आ चुके हैं शूट पर, अब उनका शूट स्टार्ट हो चुका है। और अब बात करते हैं स्पाइडरमैन के न्यू अपडेट के बारे में। तो फाइनली अपडेट्स बहुत ज़्यादा तगड़े हो गए हैं कि टॉबी मैकफाय इसमें देखने को मिलेंगे, जी हाँ। और देन अब कह सकते हो कि धमाका होने वाला है, और इसका अपडेट मैंने अपने इंस्टाग्राम पर भी डाला था। अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दीजिए, मैं यहाँ पर सबसे पहले अपडेट देता हूँ। और फाइनली अब अगला अपडेट है बहुत ही कमाल का, तो वेलमा के ऊपर एक अडल्ट टीवी सीरीज बन रही है एनिमेशन HBO मैक्स पर, कंफर्म हो चुका है ऑफिशियली, और मैं तो इसे 100% देखना चाहूंगा। और देन उसी के साथ एडम को फाइनली कास्ट करा गया है डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में, जी हाँ, जो कि विंटर कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं, जो कि एक मैजिकल मॉन्स्टर है। देन उसी के साथ सोनी कंपनी ने पास कर दिया है केनू को केविन द हंटर कैरेक्टर के लिए, और इसको कंफर्म करा है एक वेबसाइट ने, जिसका आपको अपडेट फुली स्टोरी पे मिल जाएगा इंस्टाग्राम पर। वेनेडिक्ट वॉन्ग ने भी फाइनली एक बिहाइंड द सीन इमेजेस डाली है, जिसमें कि उन्होंने स्पाइडरमैन की पैंट पहन रखी है, आप देख सकते हैं जरा जूम करके, स्टॉप करके भी। और देन नेटफ्लिक्स का आयरन फीस का सीजन 3 भी हमें देखने को मिल सकता है मार्वल में, तो अभी कुछ रूमर्स आ रहे हैं ऐसा कि शायद हमें ये देखने को मिल जाए। स्पाइडरवर्स 2 में आपको स्पॉट विलेन देखने को मिलेगा, जी हाँ, जो कि आप पहले ही जेटिक्स चैनल पर देख चुके हैं अमेजिंग फ्रेंड वाले स्पाइडरमैन टीवी शो में। उसी के साथ जैक स्नाइडर का ट्रेलर रिलीज होगा 14 तारीख को, सभी देखना। और सुपरमैन का तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा कमाल का लग रहा है, आप खुद देख सकते हैं, बहुत ही तगड़ा। एक बिहाइंड द सीन इमेजेस एवेंजर्स एंड गेम की, जिसमें कि जेरेमी रेनर ने अपने इंस्टाग्राम पे ये इमेज पोस्ट करी, तो बहुत ही कमाल की लग रही है, और देन टोनी स्टार्क को देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है। उसी के साथ शूट खत्म हो चुका है नेबुला का और मेंटेंस का, अब वो ऑस्ट्रेलिया से लीव कर चुके हैं और दूसरी सिटी में जा रहे हैं अगला शूट करने के लिए, यानी कि सबका शूट अलग अलग चल रहा है। गीना को फाइनली स्टार वॉर्स मैंडल सीजन 3 से निकाल दिया गया है, और देन उन्हें स्टार यूनिवर्स से भी निकाल दिया गया है, अब देखते हैं इनका कैरेक्टर कौन प्ले करेगा। उसी के साथ एक नया अगला अपडेट है काफी कमाल का, तो फैल्कन द विंटर सोल्जर एक मिनी मूवी टाइप की होने वाली है, आपका पूरा फील मूवी की तरह लगेगा, जो कि इनके क्रिएटर ने अपडेट दिया है। तो गाइस ये थे वो काफी सारे कमाल के अपडेट। उसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर करना, और देन गाइस आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए, जिससे कि आपको सारे अपडेट तुरंत पता चल जाए। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।